नमस्कार दर्शक बंधु, सप्ताहर कौनसी भी दिन करनी सतट कौड़ीर एक महाउपाय माँ लक्ष्मी तुरंत मिलजि आशीर्वाद आपण हो धनवान आपणकर सबु इच्छा हेब तुरंत पूर्ण खुशी पूरी उठ आपणक घर पर वेद पुराण और हिंदू धर्मशास्त्र माता लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करने अनेक उपाय विषय कहुई। दर्शक बंधु, माँ लक्ष्मी सबुठ प्रिय हेउची कौड़ी। जो घरे कौड़ीर पूजा करा जाए से घर सर्वदा माँ लक्ष्मी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करे। यह छड़ा कई व्यक्ति जदि विधि विधान कौड़ीर एक महाउपाय को करे जहाँ विषय तंत्र शास्त्र रे लेखा अच्छी तेबे तुरंत से व्यक्ति को माता लक्ष्मी आशीर्वाद और बरदान मिलजिव। तापर से व्यक्तिर जीवन में धनर वर्षा हेब एवं जीवन ताकू के धनर अभाव होबना। दर्शक बंधु, कौड़ी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय अटे। आपण जाणि रखंतु जे घरे कौड़ीर प्रयोग विधि विधान कराए से घरे सर्वदा माता लक्ष्मी कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। दर्शक बंधु, जेतेबेले समुद्र मंथन होता से समय रे समुद्र गर्भरु माता लक्ष्मी कौड़ीर मध्य उत्पन्न होता। से ही दिन ठारु कौड़ी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय अटे। शास्त्र अनुसार जदि आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने चाहती तेरे विधि विधान कौड़ीर एक महाउपाय को करनी। तंत्र शास्त्र रे कौड़ी को धन आकर्षण जंत्र बोली कुहा जाई। जदि आपण माता लक्ष्मी को निज पूजा द्वारा प्रसन्न करने चाहती तेरे माता लक्ष्मी पूजा रे आपण कौड़ी को निहाती व्यवहार करंतु। कारण शास्त्र अनुसार माता लक्ष्मी पूजा रे जदि कौड़ीर प्रयोग कराए तो से पूजा तुरंत सिद्धि प्राप्त करनीए एवं तुरंत से व्यक्ति को माता लक्ष्मी आशीर्वाद और बरदान प्राप्त हुए। दर्शक बंधु, जदि आपण ऋण भारे बुड़ी रही आपण को चलुवा व्यापार हठात बंद पड़ जा आपणक जीवन में धन आगमन सबु रास्ता बंद हो जाइए। धन सम्बन्धी असुविधार आपण सामना करुछंती तेबे कौनसी भी शुक्रवार दिन 2-5 मिनिट बाहर करी प्राचीन समय से ही महाउपाय को करनी जहाँ विषय आम वेद पुराण रे लेखा अच्छी। जो उपाय को आज मुझे वीडियो माध्यम कहवाकू जाऊँ। दर्शक बंधु, जदि आपण यही उपाय गुड़िक सठिक विधि विधान करे साक्षात माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपण प्राप्त करे। यापर आपण जीवन में धन आगमन मार्ग फिटिजी धन सम्बन्धी समस्त असुविधा आपणकर दूर हो निकट को जो धन आसब से वृद्धि होब। यह सतटी कौड़ीर महाउपाय को करिबा परे आपणक एवं आपणक पूरा परिवार रे एक सकारात्मक परिवर्तन नजर आसीब। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपणक घर दरिद्रता दूरे जीव आपणक घर उन्नति हेब आपणक घरे थिबा सबु प्रकार नकारात्मक शक्तिर नाश हेब एवं आपणक घरे सकारात्मक ऊर्जार बास हेब। जे घरे सकारात्मक ऊर्जार बास हुए से घर लोक माने केबे भी विपदर सामना करती ना। सबकि जानापी भिडटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं एसएनआर ओडिया भॉइस चैनल टी सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु, कौड़ी को आपण कौनसी भी पूजा दुकान रे पाई यार उपाय किपरि करिवे ध्यानर सह शुणंतु। सबुठ प्रथम उपाय हेउची अनावश्यक खर्चरु मुक्ति पाइबार महा उपाय। दर्शक बंधु, आपण परिश्रम तो खूब करुछंती परिश्रम हिसाब रे आपण को तार फल मिलूना कि आपण जीवन में अनावश्यक खर्च धीरे धीरे बढ़ाक लगी। जो टंका आसुची अनावश्यक भावे खर्च हो जाऊँगी आपण को पॉकेट सबुबले खाली रहुची तो बुझी जातु जे आपण एमती किसी दोष लगी जो आपण हाथ में टंका रहूना से ही दोष को समाप्त कर
करिबापाई कौनसी भी शुक्रवार दिन एही उपायटिकु करिनियंतु जहाँ विषय तंत्र शास्त्र अध्याय नंबर 12 रे लेखा जाइछि। एही उपाय करिबा द्वारा आपणक जीवन में धनर आगमन हेबो, जेउ धन आसिबो सेथिरे वृद्धि घटिबो। एही उपाय को आपण शुक्रवार दिन संध्यारे करिबे, तेणु केही भी शुक्रवार संध्यारे गाधोई सारी लाली रंगर वस्त्र पिंधि नेबे। लाली रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होइथाए। एहा परे निज पूजा घरे माता लक्ष्मी को फोटो कि मूर्ति निकटरे आपण आसन पकाई बसंतु। एहा परे गोटिए कौड़ी निज हाथ में धरंतु, माँ लक्ष्मी को निकटरे एक घिअर दीप जलांतु। एही कौड़ी को हाथ में धरी माता लक्ष्मी को बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। माता लक्ष्मी को बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी ही नमः। मु पुणि थरे कहुछि माता लक्ष्मी को बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी ही नमः। एही मंत्र को 11 थर जप करिबे, कारण 11 संख्याटी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय अटे। बर्तमान एही कौड़ी को निज पर्स रे किबा ब्याग रे रखि नियंतु। एही उपाय को जदि आपण कौनसी भी शुक्रवार संध्या रे करिनेबे तो विश्वास रखंतु जे आपणक उपरे लागिथिबा दोष समाप्त होइजिबो। आपणक जीवन रे धन आगमनर सबु रास्ता खोलिजिबो एवं आपणक पर्स सर्वदा टंकारे भरी रहिबो। द्वितीय उपायटी हेउछि आपणक कुंडलीर शुक्र ग्रह को मजबूत करिबार महा उपाय। दर्शक बंधु जाणि रखंतु जे जेऊ व्यक्तिर शुक्र ग्रह मजबूत थाए से व्यक्ति जदि किछि भी भूल निष्पत्ति निए से निष्पत्ति रे मध्य ताकु फायदा ही होइथाए। जेऊ व्यक्तिर शुक्र ग्रह मजबूत थाए से व्यक्ति को नवग्रह और भाग्य साथ देइथांति एवं से व्यक्ति जीवन रे अनेक उन्नति करे और सफलता मध्य प्राप्त करे। दर्शक बंधु शुक्र ग्रहर नियंत्रण माँ लक्ष्मी को हाथ में थाए। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई एवं निज कुंडली रो शुक्र ग्रह को मजबूत करिबा पई आपण ए उपाय को 3 शुक्रवार करि नियंतु। 3 शुक्रवार परे आपणक कुंडली रो शुक्र ग्रह एते मजबूत होई जिवो जे भाग्य सर्वदा आपणक साथ देबो। आपण कोन करिबे ना शुक्रवार दिन सकाळे गाधोई सारी शुद्ध पवित्र होई गोटे तंबार लोटारे जल भर्ती करंतु। एहा परे गोटे कौड़ी मध्य हाथ रे धरंतु। एहा परे घर पाखरे थिबा अस्वस्थ गछ मूळरे से गोटे लोटा जल को अर्पण करंतु एवं से कौड़ी को से गछ मूळरे रखि दियंतु। दर्शक बंधु अस्वस्थ गछरे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवानंकर बास होइथाए। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवानंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई आपण अस्वस्थ गछरे प्रतिदिन जल चढ़ाइबा उचित। दर्शक बंधु ए उपायटी कले आपणक कुंडली शुक्र ग्रह मजबूत हेबो एवं आपणक भाग्य आपणक हितरे जीवो। दर्शक बंधु तृतीय उपायटी हेउची बंद पड़ीथिबा व्यापार को चालू करिबार महा उपाय। दर्शक बंधु जदि पूर्वरु आपणकर व्यापार ठीक रे चालू थिला एवं एबे ताहा बंद होइ जाइछि, प्रथमे आपण व्यापाररु खूब सारा लाभ पाउथिले एवं एबे क्षति सहिबाकु पडुछि, एहार मुख्य कारण हेउछि आपणक व्यापार रे कहार कुदृष्टि लागि जाइछि। दर्शक बंधु गोटे सबुज सतेज गछ को जदि कहार नजर लागि जाए तेबे ताहा मध्य सुखिबाकु लागे एवं आपणक व्यापार सह मध्य सेही भली घटिछि। कुदृष्टि लागिबा कारणरु आपणक व्यापार बंद हेबारे लागिछि। एही नजर दोषरु मुक्ति पाइबा पई केवल गोटिए शुक्रवार एही महा उपाय को करि नियंतु जहां मुए वीडियो माध्यम रे कहिबाकु जाउछि। आपण कोन करिबे ना कौनसी भी शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त रे उठी गाधोई सारी लाली रंगर वस्त्र पिंधिबे एवं गोटे लाल कपड़ा और पांचटी कौड़ी नहीं माता लक्ष्मी को मंदिर को जिबे। माता लक्ष्मी को प्रतिमा सम्मुखरे गोटे घिअर दीप जलाइबे। एहा परे से नाली कपड़े पांचटी कौड़ी को बांधी गोटे पुटुली बनाई नेबे। एही पुटुली को माँ लक्ष्मी को पाद पाखरे छुआई आनी निज व्यापार स्थल रखिदेबे। केवल एतिकी उपाय गोटे शुक्रवार करिनेले ए कौड़ी नजर दोष को निज भीतर को शसी नेबो एवं आपणक व्यापार नकारात्मक ऊर्जा को ए कौड़ी नष्ट करिदेबो। एहा परे देखिबे आपणक बंद पड़िथिबा व्यापार
ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂରେଇ ଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟକୁ ପୁରା ପରିବାର ସହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରା ପରିବାର ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ପାଞ୍ଚଟି କଉଡ଼ି, ତିନୋଟି କର୍ପୂର, ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 51ଟି ଗୋଲମରିଚ ରଖି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେଇ ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହି ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି 21 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଛୁଆଇ ନିଜ ଆଲମାରିରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପୁରା ପରିବାର ସହ କରିନେବେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପୁରା ପରିବାର ସହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳି ଉଠିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।